जाएंगे। जॉनाथन की बात करेंगे अभी भी के उस एंगल के ऊपर जहां पे थोड़ी सी दिक्कत थी निंजा जॉर्डन की टीम के लिए बना सकते अपनी गोल्डन विराडो के साथ धीरे धीरे करके आगे निकलते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये फाइट इनिशिएट होने वाली है? लेकिन वहीं पे स्टार ओपी गिर के नॉकआउट हो जाते हैं और मे बी ये टीम के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बना सकता है। लेकिन लेट्स सी अभी के लिए निंजा जॉर्ड जाएगा ये ग्रेनेड में भी शैडो एंड जॉनाथन दोनों को लेके जा सकते हैं। जॉनाथन जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं निंजा बिल्कुल रेडी रहेगा बट निंजा के ऊपर ऑलरेडी वो रेड कर दिया जाएगा। जी गॉड एक प्लेयर का नॉक निकालते हुए देखने को मिल जाएगा टेक डाउन कर दिया आगे आ चुके। ये वनियन की बैटल है जहां पे इनको जाना पड़ेगा सामने तरफ को ये ट्राई करेंगे। लेकिन निंजा जॉर्ड वो बिल्कुल रेडी अपने नेड के साथ वो नेड को कंप्लीटली कुक करके अंदर की साइड डालते हुए देखने को मिल जाएगा बट जॉन खिलाड़ी। लेकिन अभी अगर बात करें वाइप पर टेक डाउन कर दिया चाहते जॉनाथन के हाथों निंजा को फिनिश कर दिया जाएगा। एक्सिन भी ज्यादा देर तक यहाँ पे सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो धीरे धीरे करके ब्लेड आउट हो रहे हैं और जहां पे वो बैठे हुए वहां पर रिवाइवल देना पड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है। दक्ष उसी एंगल के ऊपर है अपने आप को आगे लेके नहीं जा रहे ताकि उनको वहां से एक नॉक मिल जाए। एक नॉक मिल जाता है यहां से तुम्हें भी इनको फायदा हो सकता है। लेकिन प्रिंस ओरिजिनल वहीं पे हाइड अप करते हुए देखने को मिल जाएगा। लेकिन दक्ष को टेक डाउन कर दिया जाएगा। शैडो को भी देख लो कोई इकलौती गॉड लाइक के तीन ही प्लेयर्स नहीं आए इस मैच के अंदर। एक और खिलाड़ी है जो पीछे बैठा था इट्स शैडो और जो आगे आते खत्म करते हुए देखने को मिल जाएगा। वैसे खत्म नहीं किया गया बट दक्ष को ऑलमोस्ट नॉक कर दिया गया तो बचना यहां से दक्ष का माइट बी नॉट पॉसिबल। लेकिन माइटी के ऊपर भी कोई शॉट्स बनते ऑलरेडी इनकी जो लोकेशन है वो स्पॉट हो चुकी है। जॉनाथन की बात करेंगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। नियोमी के खाते में एक किल जी गॉड के खाते में भी एक फिनिश आपको आता हुआ नजर आ जाएगा। दोनों ही खिलाड़ी अपना में एक फिनिश ले चुके टीम के पास टोटल दो और वो तीसरा भी इनके सामने है। जैसे दक्ष फिनिश ऑफ हो जाएंगे वो तीसरा भी इनके पास आता हुआ नजर आ जाएगा बट प्लेयर्स आगे आ रहे खत्म। चलिए खत्म भी कर दिया जाएगा इजीली खत्म कर दिया जाएगा। दो फिनिशेस ऑलरेडी टीम के पास भी आ चुके निंजा जॉर्डन के प्लेयर्स के पास एंड तीन फिनिशेस कनेक्शन अगेन शैडो की तरफ से जाते हुए। अगर बात करेंगे सामने की तरफ पूरी की पूरी स्क्वाड है। शैडो थोड़ा सा बचना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स है वो इस फाइट के अंदर आ चुके हैं। लेकिन जब तक आपके पास इतना बढ़िया खिलाड़ी है तो आपको टेंशन लेने मान्या जस्ट अपना वो थे। लेकिन ये जो शॉट्स के कनेक्शन है वो काफी ज्यादा शानदार अगेन उस प्लेयर को लो कर दिया जाएगा बट गॉड लाइक प्लेयर सभी के लिए धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। भूखे शेर की तरह दहाड़ती हुई ये टीम ये मोलोटोव थी लोटोस की हाइटोस पे करना भूल गए अगेन उसको हाइटोस पे किया जाएगा डाउन कर दिया जाएगा। शैडो टेक डाउन करेंगे लेकिन वहीं पे जॉनाथन को टेक डाउन कर दिया जाएगा। एजे वो बिल्कुल रेडी थे वहां पे फाइट लेने के लिए। M4 के साथ एक प्लेयर को नॉकआउट करेंगे शैडो के साथ ये वनियन की बैटल लड़ने वो फिनिश करना चाहते हैं। अरे ऑल पे माइक हेलो हेलो ऑल पे ऑल पे फिनिश करेंगे जी बिल्कुल शैडो को फिनिश करेंगे यहां से वो निकलेंगे क्योंकि यहां से रात देर तक आई डोंट थिंक सो कि उनका भी सर्वाइवल पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ये जी बगी को लेके आते अपने लिए थोड़ा बहुत कवर बनाते हुए देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे अगर बात करेंगे जॉनाथन को रिवाइवल मिल चुका है और अगर ये रिवाइवल हो जाता है मे बी गॉड लाइक अगेन एक और वापसी हो सकती है बट शैडो को गवा दिया इस टीम ने जो एक साइड वाइज एंगल के ऊपर से कवर देने वाला जो खिलाड़ी था उसको धीरे-धीरे करके गॉड लाइक के प्लेयर्स इधर की साइड यहां पे डोमिनेट कर रहे हैं जबकि नियोमिक काफी ज्यादा शानदार दो फिनिशेस अपने नाम तीसरे की तलाश में। लेकिन वो तीसरा निकालना इतना ज्यादा इजी नहीं रहने वाला। वहीं पे अगर बात करेंगे हाइट ऑफिसर्स उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। जॉनाथन पे नजर है नियोमिक की लेकिन वहीं पे प्रिंस ओरिजिनल प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे FW के प्लेयर्स को खत्म करके अभी तक के लिए तीन प्लेयर्स इस मैच के अंदर जीवित है और इस मैच के अंदर लेट्स सी और ज्यादा कितना आगे तक वहीं पे अगर बात करेंगे अभी के लिए ज़ेनो के बारे में व्हीकल है कि वो भी धीरे धीरे करके सर्कल के अंदर निकलने की ट्राई करते हुए देखने को मिल जाएगा बट लेट्स सी उनके जो एक प्लेयर नॉक है उनको रिवाइवल दिया जाएगा या नहीं। प्रिंस को रिवाइवल के लिए तो आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे बट मैडी आउट ऑफ द जोन वो धीरे धीरे करके सर्कल के अंदर एंड एक और बार अपना वो डोमिनेशन दिखाते हुए नजर आ रहे। एक फिनिश आई थिंक सो पहला या दूसरा फिनिश जो है तीसरा फिनिश व्हाट वाज दैट अभी तो हम आए थे जब हमको बता था जीरो फिनिशेस थे
बट अभी के लिए आप देखेंगे तीन आ चुके हैं। नियोमी की बात करेंगे दो इनके पास भी देखने को मिल जाएंगे, जी गॉड के पास एक देखने को मिल जाएगा सपोर्ट प्लेयर। अभी के लिए जी गॉड जब तक साथ है तब तक के लिए जोनाथन आगे कर दिया गया, पर प्रिंस अपने आप को कवर के अंदर लेके जाएंगे, कुछ स्मोक्स अच्छे खासे कर दिए लेकिन कैमरे सर्कल के अंदर पहुंच पाएंगे। जी गॉड के ऊपर काफी अच्छा डैमेज पड़ चुका है, नीचे की तरफ प्लेयर को स्पॉट के लिए हम एक फाइट में से निकले जहां पे पहला नियोमी ने नॉक दिया था, दूसरी फाइट के अंदर आए वहां पे भी नियोमी ने ही नॉक दिया। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बारिश हो रही है, लेकिन एफएसके 47 उनको डाउन कर दिया जाएगा। बैक एंड से आएंगे हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर एंड पूरी की पूरी टीम को बाहर करते हुए नजर आ जाएंगे। टोटल 6 फिनिशेस ले चुके, 2 फिनिशेस इनके पास देखने को मिल जाएंगे। साइड बैंगल के ऊपर जोनाथन है, क्या पता है इनको कि साइड बाय एंगल के ऊपर जोनाथन है, और क्या जोनाथन को पता है कि साइड बाय एंगल के ऊपर ये खिलाड़ी सर्कल के अंदर धीरे धीरे करके एंट्री लेता हुआ देखने को मिला। लेकिन पता हो या ना हो पता एक्यूरेट कनेक्शन नियोमी, व्हाट वाज दैट, बगी में बैठा हुआ था वो खिलाड़ी, स्मोक में बनाए कनेक्शन सर्कल के अंदर डील करते हुए नजर आ ही जाएगी। बात करते हैं अभी के लिए जोनाथन के बारे में, 5 टोटल फिनिशेस ये खिलाड़ी निकाल चुका है। नेड यहां से जाने वाला ऑटोबॉट्स के लिए ये में भी दिक्कतें बना सकता है, अगेन उस नेड को वापस से पिन खींची जाएगी, ये नेड जाने ही वाला है ये तो 100% श्योर है। लेकिन क्या ये प्लेयर को लेके जाएगा ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। नेड जाएगा, प्लेयर को टेकडाउन नहीं किया जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट डैमेज का देख सकते हैं कि अभी के लिए प्लेयर को टेक डाउन करना इजी बनेगा। ऑलरेडी वो नॉक निकालते हुए देखने को मिल जाएंगे ऑटोबॉट्स, जिनके पास नंबर एडवांटेज था, जिनके पास 3 प्लेयर्स थे उनके ही प्लेयर्स को यहां पे नॉकआउट कर दिया जाता। जोनाथन धीरे धीरे करके आगे आ चुके, ये फाइट को कंप्लीट करनी पड़ेगी उनके पास। ये भी सामने से बहुत ही एक प्लेयर को टेक डाउन था, तीसरा प्लेयर वो सामने तरफ एंड ऑफ मैच, एंड इसी के साथ गॉड लाइक एक दो वो ना हुए ना चिकन इन द सेकंड मैच। बट फिनिशर्स तो आप देखिए आ चुका है अभी के लिए गॉड लाइक है, पास आउट अवार्ड्स, नाइस ट्राई, सेकंड पोजीशन, 4 फिनिशेस के साथ।